आयु जिया जो है क्या है भैया, नवजात बच्चे में अगर बच्चा पूरे गर्भ में पूरा 9 महीना टाइम बिता के पैदा हुआ हो और उसका वजन या लंबाई उस हिसाब से न बढ़ पाया हो तो कहा जाएगा कि बच्चा क्या है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड है। मतलब पशुदानी में जितना उसका गर्भ में वजन बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। तो आयु जी आर बच्चों को जो है, आयु जी आर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब गर्भ में बच्चे का जितना उम्र रहने के बाद 9 महीने के बाद जितना वजन और लंबाई बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा, वैसे बच्चे को कहा जाएगा कि आयु जी आर बेबी है। आयु जी आर बच्चों में इनको स्मॉल फोर जेस्टेशनल एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SGA, स्मॉल फोर जेस्टेशनल एज, मतलब जितना इनका जेस्टेशनल एज है, गर्भावस्था का जितना इनका काल रहा, जेस्टेशनल एज मतलब गर्भावस्था काल, तो गर्भ में जितना समय इन्होंने बिताया उस लिहाज से इनका वजन क्या रहा, कम रहा, स्मॉल और जेस्टेशनल एज, उस हिसाब से इनका वजन और लंबाई क्या बढ़ा, कम बढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, 9 महीने का है, 2 किलो वेट है, 2.5 किलो वेट है, अभी 3-4 दिन पहले एक आया था, रात भी एक आया था बच्चा। तो ये बच्चे आम बच्चों से अलग होते हैं, इनमें कुछ अलग हट के सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कारण क्या है ऐसा, आखिर क्यों ऐसा होता है कि बच्चा गर्भ में 9 महीना रहा और वजन उतना नहीं बढ़ा। तो इसके कारणों की अगर बात की जाए तो कुछ कारण तो बच्चे के अंदर हो सकता है, फीटस के अंदर। बच्चा जब तक गर्भ में उसको क्या कहा जाता है, फीटस, तो फीटल कारण होता है कुछ कुछ, जैसे बच्चे के अंदर कोई उसके गुणसूत्र में विकार हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह, वो उस स्थिति में बच्चे का ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना ना हो पाता है। फिर मेल के अपेक्षा फीमेल्स में ग्रोथ कम होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि माँ बाप भी कम हाइट और वेट वाले हैं तो बच्चे का वैसा होना संभव, या कोई उसको विकृति हो, शारीरिक विकृति हो, कोई अंग भंग हो, तो इस स्थिति में भी बच्चा आयु जी आर हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटा में भी बहुत सारा कारण होता है जिसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ कम हो जाएगा। जैसे एक कंडीशन होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा, एब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा पशुदानी की दीवार से जहाँ चिपका रहता है उसका कुछ पार्ट उखड़ जाए तो पार्शियल एब्रप्सियो प्लेसेंटा हुआ। तो उस कंडीशन में जितना ब्लड सप्लाई माँ के शरीर से बच्चे तक जाना चाहिए था नहीं जा पाएगा, और जब ब्लड सप्लाई कम जाएगा तो ग्रोथ क्या होगा, कम। इसके अलावा जो नाभि होता है उसमें अम्बिलिकल आर्टरी जाती है, तो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो माँ से बच्चे की तरफ जाने वाला जो फ्लो है वही कम हो, और ऐसा पूरे 9 महीना रहा हो, तो उस स्थिति में भी बच्चे का ग्रोथ क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ग्रोथ उसका यूट्रो प्लेसेंटल जो आर्टरी है, अम्बिलिकल आर्टरी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो,
ग्रोथ उतना नहीं होगा। अब रुकावट का बहुत सारा कारण होता है, मान लीजिए कि माँ में कोई वैस्कुलर डिजीज हो, माँ बहुत मोटी हो, चर्बी वाली हो, तो माँ के खून की नलियों में भी चर्बी इकट्ठा होगा और वैसा ही चर्बी जाके अम्बिलिकल आर्टरी में भी इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, जितना ब्लड जाना चाहिए माँ से बच्चे की तरफ उतना नहीं हो जाएगा। या एक कंडीशन हम पढ़े थे अभी हम लोग, प्री इक्लेम्सिया। तो प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है कि प्लेसेंटा से कुछ केमिकल्स रिलीज होता है जो कि माँ के खून के नली और प्लस जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसकी दीवारों में क्या करता है, सूजन कर देगा। और सूजन होने से जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, माँ को ब्लड प्रेशर हो जाए, हाइपरटेंशन, माँ सिगरेट बीड़ी तंबाकू पीती हो या कोई कार्डियक हार्ट की बीमारी हो मदर को या कोई गुर्दा का बीमारी हो, तो इन सब कंडीशंस में बच्चा तक ब्लड कम जाएगा और उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है उसका साइज ही छोटा हो तब भी सप्लाई क्या होगा, कम जाएगा। मान लो कि प्लेसेंटा का साइज कम होने का कारण क्या हो सकता है कि मान लीजिए बजदानी है और बजदानी में कोई फाइब्रोइड है, ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो जगह तो ट्यूमर घेर लिया ना, बच्चा और प्लेसेंटा को चिपकने के लिए जगह कम मिलेगा तो प्लेसेंटा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। छोटा प्लेसेंटा होगा तो सप्लाई कैसी होगी, और ट्यूमर जो है वो ट्यूमर भी बच्चे को ग्रोथ के लिए ज्यादा जगह नहीं देगा तो उसकी वजह से भी बच्चे का ग्रोथ क्या हो जाएगा, के अलावा अगर माँ में देखा जाए कारण तो अगर किसी औरत को पहले ही इस तरीके का IUGR बच्चा पहले भी उसका हो चुका है तो आगे फर्दर बच्चों में IUGR बच्चे होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। जिसका पहले से कोई बच्चा नहीं है, प्रथम डिलीवरी है, वैसी औरत में भी बच्चा का IUGR होने का चांसेस रहता है। दूसरे और तीसरे तिमाही में माँ का वजन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, कम बढ़ा, तो कम वजन अगर माँ गेन करेगी तो बच्चे का वेट भी क्या होगा, कम बढ़ेगा, ऐसा बच्चा IUGR हो जाएगा। या 35 साल से ज़्यादा की औरत हो, औरत का उम्र कितना हो, 35 साल से ज़्यादा हो, सुपर हो, या माँ की उम्र 15 साल से कम हो तब भी बच्चा कैसा होगा, IUGR होगा। माँ कुपोषण के शिकार हो, मान लो जो उसको खाने उने को न मिल रहा हो। इसके अलावा जिंक डिफिशियंसी हो, मदर में जिंक की कमी हो, माँ जो है बांझपन की शिकार रही हो, उसको बच्चा ठहरता ही ना हो बहुत सालों से और कई बार उसको मिसकैरेज हो गया हो, गर्भपात हो गया हो, उस स्थिति के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो बच्चा कमजोर होने का चांसेस रहेगा। माँ में किसी टॉक्सिन्स है जैसे पारा, मरकरी पारा हो गया, लेड माने सीसा, आर्सेनिक, बहुत जगह के पानी में ना लेड की मात्रा ज़्यादा होती है, आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर पारा की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं कहीं तो हवा में लेड की मात्रा ज्यादा होती है। तो मान लो माँ किसी ऐसे जगह रह रही हो या कोई ऐसा काम कर रही हो जिसमें इन सब हेवी मेटल के टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हो, तो मदर के शरीर में अगर ये सब टॉक्सिक मेटल्स डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से भी बच्चे का ग्रोथ क्या होगा,
अब जब भी कोई आयु जीयर बच्चा दिखे, पूरा टाइम का बच्चा है और वजन नहीं बढ़ा है, तो आपको इन सब कारणों से पसार होकर सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें से कौन सा कारण है इसका ग्रोथ बच्चे का न होने का। जैसे हम लोग परसों नर्सों जो बच्चा आया था उसमें हम लोग कारण ढूंढे हैं, तो हम लोग को कारण मिला कि बच्चा जो है जब 8वें महीने में ही था ना, तो उसकी माँ का जो प्लेसेंटा था वो दीवार छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगा था, मदर को खून पानी गिरने लगा था, और उसकी वजह से बच्चा 15 दिन पहले ही हो गया। इस उसमें कारण वो मिला बच्चे का वजन ना बढ़ने। रात वाले बच्चे में मदर का एज 35 ऐसे ऊपर था, 35+ था, तो ये भी एक कारण होता है 35+ होना, बच्चे का वेट कम होने का। तो इन सब कारणों से जाते हुए हम लोग कारण पता लगाएंगे कि आखिर किस वजह से बच्चा जो है कम वजन का रह गया। अब इसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर आयु जीआर बच्चा है, पैदा तो हो गया, अब उसमें आगे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं ताकि हम उसकी देख रेख कर सकें, वो परेशानी आए तो उसका समय से पहले निदान करके उसका उपाय किया जा सके। तो आयु जीआर बच्चों में सबसे पहली परेशानी तो होती है कि इम्यूनिटी लो होता है इनका। लो इम्यूनिटी की वजह से इनमें इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या रहता है। दूसरा, इनमें जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि लीवर बहुत मैच्योर नहीं हो पाता है। तीसरा कारण इनमें और क्या होता है, शुगर इनका बड़ा जल्दी जल्दी डाउन होता है। क्योंकि क्या है कि हम लोग के स्किन के नीचे फैट एडिपोज टिश्यू होता है, जिसमें कि जब हम लोग का शुगर नहीं मिलता है शरीर को, तो वही एडिपोज टिश्यू टूट के और ग्लूकोज सप्लाई देता है। लेकिन अब जिसके शरीर में डिपोजिट ही नहीं है, वो पूरे कम वजन का है, तो उसके शरीर में एडिपोज टिश्यू है कहाँ कि उसको सप्लाई देगा, और सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऐसा बच्चा जैसे ही आप फ्लूड हटाइएगा वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, कम शुगर हो जाएगा उसका। कम शुगर होगा तो उसको बच्चा सुस्त हो सकता है, मिर्गी का झटका आ सकता है, ये सब तमाम परेशानियाँ हो सकती है शुगर कम होने की वजह से। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, और क्या चीज़ हम लोग को देखना होगा? हाँ, अगर बच्चे का यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी रहा हो, मतलब प्लेसेंटा को जितना ऑक्सीजन देना उतना ना दे पाया हो, तो लास्ट टाइम में बच्चे को कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होकर उनके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से स्वेलिंग होने लगता है, तो ऐसे बच्चों में हाइपोक्सिया वाले लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, उस पर निगाह रखना होता है। इसके अलावा कम ऑक्सीजन अगर आंत की दीवार को मिला हो, तो ऐसा बच्चा दूध लेट से पचाएगा, जल्दी दूध नहीं पचाएगा। जैसे इससे पहले वाला बच्चा जो था, वो उसका दूध पचने में 3रे दिन के बाद जाके दूध पचना शुरू हुआ उसको, तो कहीं ना कहीं कारण क्या रहा होगा कि जो ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए ब्लड में उतना नहीं गया, तो उसका प्रभाव दिमाग पे तो होता ही है, दिमाग के साथ साथ आंत की दीवारों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, और हाइपोक्सिया मैंने ऑक्सीजन की कमी से आंत की दीवारें दूध पचाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे बच्चे दूध फेंक दिया करते हैं, नहीं पचेगा, पेट फूलने लगेगा, तो उस पर भी ध्यान रखना होगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हम लोग को देख के चलना होगा अगर आयु जीआर बच्चा है तो बेहतर होगा कि ऐसे बच्चों को 24 से 48 घंटा हॉस्पिटल में निगरानी में रखा जाए, उसमें अगर कोई परेशानी ना आए तब उनको छोड़ा जाए। इसमें एक चीज़ और होता है, ये देखना होता है कि बच्चा हमारा सिमेट्रिक आयु जीआर है कि एसिमेट्रिक आयु जीआर है। देखो, अगर बच्चे में ब्लड का फ्लो शुरू से कम होगा, तो
उस स्थिति में बच्चे के शरीर में ब्रेन का विकास तो हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि क्या है कि ब्लड, देखो जहां शरीर में ब्लड मान लो कि कम जा रहा है, आप पोषण वाला चीज कम जा रहा है, तो शरीर ऐसे डिफरेंशिएशन कर लेगा शुरू से ही कि ब्रेन को जिंदा रखो, बाकी शरीर को पोषित हो जाए तो वो बच्चे का फीटस का जो शरीर है वो ब्लड सप्लाई बढ़ा के रखेगा ब्रेन के तरफ, तो ब्रेन का ग्रोथ नॉर्मल होगा, हेड साइज नॉर्मल मिलेगा, लेकिन बाकी हाथ पैर छोटा छोटा, शरीर का थड़ छोटा हो जाएगा, इसमें मांस नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि ये एसिमेट्रिक आयुजिया है, मतलब एक समान वृद्धि जो है वो एक समान कम नहीं हुआ है, ब्रेन का वृद्धि तो हुआ है लेकिन बाकी शरीर का वृद्धि नहीं हुआ। तो ये एसिमेट्रिक आयुजीआर जो बच्चा होता है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो कारण रहा है इसके आयुजीआर होने का वो शुरू से रहा है, पहले ट्राइमेस्टर से रहा है। समझ पा रहे हो बात को? जैसे मान लो किसी में आठवें महीने में जाके परेशानी शुरू हुआ बच्चे में, तो ऐसा फीटस आठ महीना तक तो उसका ब्रेन है हाथ पैर सब एक बराबर भाव में बड़ा होगा, आठवें महीने में कारण उपस्थित हुआ तो ऐसा बच्चा अब एक महीना के लिए जो उसका वेट कम हो गया, वजन कम हो गया, तो उसका हेड का साइज थोड़े कम हो जाएगा या हाथ पैर का साइज थोड़े कम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे का जो दिमाग का साइज है, हाथ पैर का साइज है, वो आपको नॉर्मल बच्चों की तरह मिलेगा या कम से कम एक रेशियो में मिलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हेड बड़ा हो गया और हाथ पैर छोटा हो गया, क्योंकि उसका जो कारण रहा वो लास्ट मोमेंट में आके आठवें नौवें महीने में उपस्थित हुआ। तो ऐसा बच्चा जब पैदा होगा तो नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रोथ अपना पैटर्न पकड़ लेगा, दो तीन महीना छह महीना जाते जाते। लेकिन इसके उलट अगर किसी बच्चे में खून का प्रवाह दूसरे महीने से कम रहा तो ऐसे बच्चे का ब्रेन तो बड़ा मिलेगा लेकिन बाकी शरीर उसके अपेक्षा छोटा मिलेगा। और ऐसा बच्चा जब पैदा होगा तो पैदा होने के बाद नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न पकड़ने में उसको 10-12 साल लग जाएगा। समझ रहे हो? मतलब एक नॉर्मल अपनी उम्र के बच्चों का ग्रोथ पैटर्न पकड़ने में उसको कितना साल लग जाएगा? 12 साल लग जाएगा। तो ये चीज उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि सिमेट्रिक आयुजीआर है कि एसिमेट्रिक आयुजीआर है। बाकी और विशेष कुछ नहीं होता है, इतना ध्यान रखना होता है।